हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DS आर्मी ब्लॉग पे। और आज हम एपिसोड 6 लेकर आए हैं, आर्मी में ल्यूकर की ऑथराइजेशन कितनी होती है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालते हैं ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच चुके। चलो हम फिर बात करते हैं आज आर्मी में ल्यूकर की जो ऑथराइजेशन कितनी होती है। जब आर्मी में जॉब करते हैं तो उस टाइम मंथली हर महीने 6 बोतल का लीकर की होती है, जिसमें दो बोतल होती है विस्की मिलती है और 4 बोतल ले सकते हैं आप रम। अगर आप दोनों बोतलों में, मतलब रम या विस्की में, दोनों में कोई भी नहीं लेना चाहते तो वैसे भी आपकी वो है खारिज हो जाती है। ऐसे नहीं है कि आपके जो कार्ड में वो बैलेंस रहेगी, ऐसा नहीं है। और अगर आप बियर लेना चाहते हैं तो एक बोतल की 4 बियर मिलती है। अभी देख लो 6 बोतल होती है, 6 बोतल की आपको देखो कितनी बोतल मिलेगी, एक बोतल की 4 बोतल बियर मिलती है। तो उसके बाद वहाँ पर ऐसा नहीं है, जो लीवकर होती है उसके डे होते हैं, उसके दिन रखे होते हैं कि कितना कितने कितने पैग हैं जवान को, कब इशू होने हैं। और जिस दिन कुछ स्पेशल बनता है, जैसे चिकन मीट या फिर कुछ स्पेशल स्नैक्स बनाते हैं, तो उस दिन जो ऑथराइजेशन के हिसाब से 1 या 2 पैग ज़रूर सभी को शाम को खाने के पहले दिए जाते हैं। या फिर डे में भी होता है, जहाँ पर ज़्यादा डेंजरस जगह होती है वहाँ पर डे में इशू हो जाती है, क्योंकि नाइट में ल्यूकर पीने के नुकसान होते हैं, क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है। तो उसके बाद कुछ बातें हम आपसे करते हैं कि जो भी जवान आर्मी में दारू नहीं पीना चाहते, वो जो नहीं पीते हैं उनके लिए दूध आता है और उनके लिए पुडिंग बनती है, जैसे चावल की खीर बनती है, और भी कुछ ना कुछ अलग से उनको दिया जाता है। इतने ये भी नहीं है कि उनका बिल्कुल ही मन ऐसे हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे जैसे अंडे 2 मिलते हैं हर रोज़ सुबह, तो उसके हिसाब से कुछ जो खाना पीना ऐसी चीज़ें नहीं खाते, घर से नहीं खाते जब आर्मी में भर्ती हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को देखकर जो अंडे होते हैं खाने शुरू कर देते हैं, और जो चिकन वगैरह जो आपने देखा है वो खाना शुरू कर देते हैं। और जब चिकन खाएंगे, अंडे खाएंगे, तो उसके साथ जो ड्रिंक ज़रूरी है करनी, ये डॉक्टरों का कहना है। तो इसके बाद आपके घर में अगर कोई ड्रिंक करता है तो आपको उसके बारे में जानकारी है कि ड्रिंक क्या चीज़ है। ड्रिंक एक दवाई की तौर, जो दवाई होती है दवा के तौर पे बनी थी, जो पहले की बातें हैं, पर आजकल जैसे बोलते हैं जो भी एक बार बोतल का ढक्कन खोल लेता है उसको ऑटोमेटिकली ऐसे लगना शुरू हो जाता है भी जब एक बार ये ढक्कन खुल गया, अगर इस बोतल को खाली नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आजकल का जो माइंड इतना तेज़ हो चुका है कि बोतल में एक भी बूंद रहना नामुमकिन है, और उसको पानी घोल के पीना, आपने देखे होंगे जो ड्रिंक करते हैं। चलो हम आर्मी की बात कर रहे थे, आर्मी की बात ही हम आपसे करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ड्रिंक जो करता है उसको थोड़ा पहले तो ड्रिंक इसीलिए करवाई जाती है कि जिस इसके साथ डॉक्टर ने बताया हुआ है, सभी बताया होगा, सभी को पता है आर्मी में अगर ये लीवर इशू होती है कोई ना कोई तो इसका मकसद ज़रूर होगा, पर लिमिट होती है हर दवा की, हर चीज़ की लिमिट होती है। जब कोई बोतल पी लेता है तो उसका तो नुकसान ही होता है। तो उसके बाद बात आ जाती है
जैसे, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आर्मी में सर्विस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में सर्विस कोई करना चाहता है तो जो ल्यूकर है, जो दारू है, इससे दूर रहें, क्योंकि जब एक एक पैग पीना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे हम बोतल को पीते हैं, तो उसके बाद ये जो दारू की बोतल होती है, ल्यूकर की बोतल होती है, ये हमारे को पीना शुरू कर देती है। इसका जो नशा कम होता है, जब ज़्यादा रेगुलर हो जाती है तो इसका जो नशा होता है वो बिल्कुल भी अपना अपने ऊपर जो हम सहन कर लेते हैं, कितना भी नशा हो, एक बोतल तक जो हैवी ड्रिंकर होते हैं एक बोतल तक पी जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं जब जो न्यू जैसे कोई भी नए नए ड्रिंक करते हैं तो वो तो एक पैग में टली हो जाते हैं। इसीलिए हमारा मानना तो यही है कि अगर आर्मी में सर्विस करनी है तो इससे बच कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ चीज़ ही ऐसी है। तो आपको पता है जब खाना खाना है, खाने की बुरकी जो गले से नीचे नहीं जाती जब तक पैग नहीं लगाते। चलो, हमारे को तो इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है भी ये आर्मी में अलाउड किसने की है, पर चक्कर ये है कि जब आर्मी में थे हम, उस टाइम जब पैग इशू होता था, पैग लगा लेते तो जो दुख तकलीफ होती है, घर की प्रॉब्लम होती है, उतना टाइम जब तक नशा रहता है और वो गायब हो जाती है। तो इसीलिए आपको भी पता है कि जो ड्रिंक बनाई है ये रिलैक्स होने के लिए बनाई है। तो जब प्रोग्राम में, ब्याह शादी में, सभी जगह जो प्रोग्राम होते वहाँ पर लिक्वर होती है, तो उसका जो मकसद यही होता है, इन्जॉय, जो माइंड रिलैक्स हो जाता है तो सभी एक जैसे हो जाते हैं। ज़्यादा पीने से इसके नुकसान है। तो ये तो होगी आर्मी में सर्विस करते करते इसकी ऑथराइजेशन। तो उसके बाद हम बात करते हैं जब आर्मी मैन पेंशन पे हो जाते हैं, एक्स सर्विस मैन बन जाते हैं, तो उनका कोटा है जो कितना मिलता है। तो एक बात रह गई थी, जब हम छुट्टी आते थे तो सभी बोलते थे कि आपको तो आर्मी से कोटा मिलता है। ये कोटा तो कोई कोटा वोटा कोई नहीं होता। तो कोई भी बोतल लेनी है, दारू लेनी हो, कुछ पैसा तो देना ही पड़ता है। सिविल में पुरानी बातें हैं, पहले मानते थे भी कोटा मिलता था, कुछ होता होगा, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी हम लेकर आए हैं ऐसे कोटे में। जब भी कोई चीज़ लेनी है, खरीदनी है, तो पेमेंट ही करनी पड़ती है। तो अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अभी एक्स सर्विस मैन जो पेंशन आ जाते हैं आर्मी से, उनकी ऑथराइजेशन कितनी होती है। तो उनकी ऑथराइजेशन हो जाती है एक महीने की मंथली 4 बोतल। उस 4 बोतल में अगर आप कंटीन वाले से बात करोगे, आपको 4 रम चाहिए या फिर 4 विस्की चाहिए, वो कंटीन वालों के ऊपर डिपेंड है। पर वही जो बियर की बोतल होती है वो भी सेम ही कहानी है, जैसे आपको रम या विस्की की बोतल नहीं चाहिए तो आप बियर की बोतल ले सकते हैं, वही 4 के हिसाब से। वो कंटीन वालों के ऊपर होता है कि आपको एक बोतल के बदले वो जो बियर की बोतल है वो 3 देते हैं या फिर 4 देते हैं। ये जिंदगी का एक ऐसा जाम है, जो पी लेता है वो डूब जाता है, जो छोड़ देता है वो तर जाता है। आपको हमारी ये जो हमने बात की है, आपको समझ में आई जरूर होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कोई इस चीज़ को छोड़ दे तो वो अपनी लाइफ में कामयाब तो सभी होते हैं, पर कुछ ऐसा मंजर आता है जो पीते नहीं है, उनकी भी लाइफ है, वो भी जी रहे हैं। पर जब बोलते हैं कि समुंदर तरने के बाद, किनारा पकड़ने के बाद जब समुंदर से बाहर आ जाते हैं तो उस टाइम का नज़ारा, और जब समुंदर में तैर रहते हैं उस टाइम का नज़ारा, दोनों में डिफरेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि हम आपसे कौन सी बात करना चाहते हैं, क्योंकि
इन्हीं चीजों में जो उभरते हैं, दिमाग की जो कहानियां बनती हैं, तो इंसान जो डूब जाते हैं, जो आपको यही तो हम आपसे यही बात करते हैं कि कोई तैर जाता है, कोई डूब जाता है। तैर कौन जाता है समुंदर के ऊपर, मान लो जो तैरना उसी को बोलते हैं कि जो सफल हो जाता है। हमारा मानना है, हमारा कहना यही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई ज़िंदगी को जैसे लकड़ी को कीड़ा लग जाता है, श्यूंखला अपना घुन लग जाता है, या फिर एक श्यूंख लग जाती है वो लकड़ी को मिट्टी बना देती है। एक यही ही कारण है। और अगर कोई इसका इस्तेमाल, ल्यूकर का इस्तेमाल करता है, उसको दवाई के तौर पे ही लें, ना कि उसको पेट भरने के लिए। जब ज़्यादा हैवी हो जाती है तो सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि हमने वो दिन देखे हैं जो पीता है उसको लग रहा है भी हम आसमान में उड़ रहे हैं और हमारे जैसा कोई नहीं, हम बहुत बड़े हीरो हैं। तो पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया है, जो लोग देखने वाले हैं उनको ये चीज़ें बहुत ही बैड लगती है, पर जब ये काम कोई भी करता है उसको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। क्योंकि जब एक बार गले से अंदर चली जाती है तो इंसान भूल जाता है कि हम कहाँ हैं, हम कौन हैं। तो इसको जब हम नशे के तौर पे यूज करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसको झेलना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप लिमिट से कोई भी चीज़ लेते रहोगे तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे कि लगा लो हम देसी घी खाते हैं, या कोई भी खुराक लगा लो हम खाते हैं, उसका भी ऐसे ही होता है। जैसे देसी घी ज़्यादा खाएंगे तो देसी घी खाने के लिए कसरत करने की ज़रूरत है, काम करने की, मतलब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पचना भी चाहिए। अगर हम जैसे हमारे पास पेंट है एक डब्बी, उसमें हम जैसे कैरोसिन मिला लेते हैं, तो उसकी दीवार छोटी है, पेंट हमारे पास ज़्यादा है, तो डबल डबल उसको कर सकते हैं। पर जो देसी की ऐसी चीज़ें हैं, इसको हम जब हैवी डबल डोज ज़्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर को ये मोटापा देगा और हमारे शरीर में जो तेल भर जाएगा, तो उसी के हिसाब से जब शरीर में तेल भर जाता है तो दिमाग में भी तेल भर जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ खानी है, कोई भी हमने खुराक खानी है, तो शाम को जब सोने के टाइम ही हमारे को पता चलता है कि इसका क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा। क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद नहीं आती, कम खाएंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी, सुबह हम जल्दी उठेंगे। तो इसी के हिसाब से ज़िंदगी को उसी लेवल पे रखना है हमने, जहाँ से हमारे को अच्छा मुकाम मिले, अच्छे रास्ते मिले, अच्छी मंजिलें मिले, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे जो जैसे बोलते हैं कि समुंदर में जब चले जाते हैं अच्छे किनारे मिले, क्योंकि किनारा इसी को बोलते हैं, अच्छा दोस्त ही एक किनारा ही होता है। तो अभी आज जो बातें बहुत हो चुकी हैं, एक बात और है, जैसे आर्मी से जब कोई भी आता है, कोई श्रीनगर से जब छुट्टी आते हैं, वहाँ से हर कोई आर्मी मैन या फिर कोई भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आते हैं, काजू बादाम पिस्ता कोई भी, यानी भी कोई भी चीज़ लेके आते हैं। एक बात तो है, जब वहाँ पर जो चीज़ हमने खरीद ली है तो वो खरीद के हम रख लेते हैं हमारे पास, जब एक बार घर में आ जाते हैं वो चीज़ें हैं उनको खरीद नहीं पाते। एक बस थोड़ा सा बोलना पड़ता है कि हम श्रीनगर से लेकर आए हैं। क्या श्रीनगर में हर जगह आप जाओगे, हर जगह में एक ही रेट होता है, एक ही हर रेट की लिमिट होती है। जहाँ जैसे अभी 40 रुपये चीनी है तो हर जगह 40 रुपये ही होगी। तो ये नियुक्त किए हुए जो व्यापारियों ने, जैसे सरकार ने जो रेट नियुक्त किए वही रेट होते हैं। ऐसे नहीं है कि काजू तो बेंगलोर में वहाँ पर
नहीं होते। यहाँ पर श्रीनगर में होता है बादाम होंगे, और जहाँ पर गब्बू गोसा काफ़ी, वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रूट वगैरह जड़ी बूटियाँ बहुत होती हैं कश्मीर में। बहुत अच्छी जगह है कश्मीर। अगर कोई दोस्त हमारी वीडियो देख रहा है आर्मी में नहीं भी है, तो फिर भी वो श्रीनगर घूम के देखें। श्रीनगर घूमने से जो माइंड रिलैक्स हो जाता है, पहाड़ियों के ऊपर जाओगे अलग अलग सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। और श्रीनगर में जाओगे तो वहाँ पर डल झील है, बहुत सी चीज़ें हैं, शंकराचार्य मंदिर है। जहाँ भी आप घूमना चाहते हो घूम सकते हो। रहने के लिए होटल हैं, होटलों में कैसे भी आप रह सकते हैं। तो आगे चलते चलते लेह में पहुँच जाओ, ऊपर जाके और भी अच्छे अच्छे नज़ारे मिलेंगे आपको। तो अभी बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जो वीडियो जो वैसे लंबी हो जाती है, इसीलिए बातें एक बार कोई भी करना शुरू कर देता है तो बातें बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पता नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। तो अभी फिर हम वीडियोस करते हैं एंड। तो कमेंट ज़रूर करना कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो इसके बाद फिर आएंगे हम एपिसोड 7 लेकर। तो उसमें सोचेंगे कि किस चीज़ के बारे में जो एपिसोड 7 हमने तैयार करना है। चलो अभी हम वीडियोस एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद।